बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। भाजपा की दो दिवसीय शिविर मधेपुर में आयोजित की गई, जी हाँ, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी के स्थापना काल से लेकर अब तक की विशेष परिचर्चा हुई। पार्टी के नेताओं ने वर्ष 1951 से लेकर 1966 तक के ताशकंद समझौते की चर्चा की। वही 1984 से लेकर 2004 तक सिद्धांतहीन राजनीति के दो दशक में 10 सरकारें बनी, जिसमें भाजपा को त्वरित विकास के लिए राम जन्म भूमि आंदोलन शुरू किया गया। वहीं वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रतिपक्ष की भूमिका में काम की। 2014 के निर्वाचन में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पहली बार भारत माता की जय की नारा संसद में गूंजा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम भारत की राजनीति पर फहराया गया। इस शिविर में वक्ताओं ने कहा कि भारत माता की जय के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अंत उदय एवं सबका साथ सबका विकास उद्पोषण के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि 2019 की सबसे बड़ी तीन घटनाएं हैं जो भारत के संविधान से धारा 370 को निष्प्रभावी बनाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर भारत के मुस्लिम समुदाय को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्त कराया गया। आज भाजपा भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज मधेपुर उत्तरी मंडल के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है, ये टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में, और यहाँ वर्क चल रहा है। दो दिवसीय शिविर है, आज से शुरू हुआ है, कल तक यह चलेगा। क्या राजनीतिक प्रत्यक्ष क्या है? राजनीति नहीं, हमारी पार्टी की मूल सिद्धांत की विचारधारा को, विचार समाज परिवार को, हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों को, जनता वर्कर को लैस करना है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित हमारा कार्यकर्ता होगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाके ये पार्टी के सभी मूल सिद्धांतों को रखेंगे, यही पर्पस है। ये कब तक चलेगा? ये 14 तारीख तक चलना है, पूरे बिहार में 14 तारीख तक सभी मंडल में प्रशिक्षण समाप्त होना है। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।